पंडित हनुमंताचार्य जोशी, ये जो विवाद चल रहा है श्रीमद् टीकाकृतपाद जयतीर्थ मुनि उनका समाधि स्थल वृंदावन मूल वृंदावन स्थल मलखेड़ में है, जे जो गेजेटेड में गवर्नमेंट गेजेटेड में भी है और संत और दास पंथ वो सभी लोगों ने वो 600 साल से पहले से भी ही मूल वृंदावन स्थल मलखेड़ बोल के है, उस वो विवाद अब उठा के इधर नहीं है, मूल वृंदावन इधर नहीं है, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में नववृंदावन आनेगुंदी क्षेत्र में है बोल के वो होना बोल के कर रहे हैं, इसलिए वो अपप्रचार है, वो अप्रामाणिक है, इसलिए उसको हटा के मान्य DC वर को मैं विनंती करता हूँ, उनको मनवी पत्र दे, हम सब लोग मिलके मनवी पत्र दे रहे हैं, वो सब मिलके मुख्यमंत्री को मनवी पत्र हम दे रहे हैं जिलाधिकारी द्वारा, वो आगे करके ये इसको विवाद ख़त्म करके जयतीर्थ का मूल वृंदावन वो मलखेड़ में ही है बोल के वो जजमेंट देना बोल के मेरा आग्रह का विनंती है। श्री गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम जयतीर्थ एम शर्मा है, मैं यहाँ के गुलबर्गा वाले रहने वाले हूँ। इधर जयतीर्थ का वृंदावन, जयतीर्थ जी का वृंदावन मलखेड़ में है, फिर भी यह विवाद हो रहा है। यह विवाद मंत्रालय मठ के स्वामी जी कर रहे हैं, ये सही नहीं है, गलत है। ये हजारों सालों से मठ दूसरे तरफ है, वो वृंदावन दूसरे तरफ है बोल के बोल रहे हैं, यही वृंदावन मलखेड़ में है बोल के साक्षी के समेत बहुत दास वरिण्य लोग और गाना रचने वाले, पद्य रचने वाले और संस्कृत के पंडितों के वो लिखे सो पुस्तक में सब यही वृंदावन मलखेड़ में है बोल के बोल रहे हैं। इसके साक्षी के लिए मैं एक ही सेंटेंस में बोलने के लिए चाहता हूँ, ये क्या है बोले तो हैदराबाद कर्नाटक में ये जयतीर्थ का वृंदावन के नज़दीक के प्रांत में जो लोग है, हाइएस्ट नेम्स जयतीर्थ बोल के है। मेरा नाम जयतीर्थ है, जयतीर्थ जोशी है, जयतीर्थ पाटिल है, जयतीर्थ देशपांडे है, ऐसा बहुत लोग जयतीर्थ नाम रखे हैं उनके पुत्र को, किस लिए बोले तो यह प्रांत के लोग बहुत है जयतीर्थ बोल के, यही एक साक्षी है। अब वृंदावन जयतीर्थ का वृंदावन मलखेड़ में है बोल के यही एक साक्षी के बताने के लिए मैं एक मैं अशोक कुलकर्णी एक्स आर्मी होकर इधर करीब 60 साल हो गए मुझे इधर रह करके, करीब 500-600 साल से मैं गाना सुनते आ रहा हूँ दासोरण्य का। सभी दासोरण्य यही लिखा है कि मलखेड़ में जयतीर्थ वृंदावन है और है नहीं, ये एक काम पहले से ही आया हुआ है। वो गाने में लिखते हैं तो कोई अलग विषय नहीं लिखा है, जो है वही लिखा है। और उसके अलावा जितना भी हमारा उत्तराधि मठ का यतिवर रहे और जितना रायर मठ का यतिवर रहे, जो परंपरागत से आया हुआ, उन सब लोग ने इधर आकर मलखेड़ में आकर के दर्शन लेकर के उनका अनुग्रह लिया हुआ, उसी जैसा जितना हमारा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट नहीं, ऑल इंडिया, तमिलनाडु, आंध्रा और मध्य UP MP तक भक्त लोग आते हैं, जयतीर्थ का पूरा सेवा करके उनका अनुग्रह लेके जाते हैं। तो ये आजकल की बात नहीं है, अगर कोई अगर ऐसे बोलते हैं तो ये तो बच्चों लोग का बात होता है, ऐसे नहीं है। अगर उनका अगर कारण उनका पूरा ये करना है तो पूरा उनका शास्त्र लेकर बैठिए, सब उनके सामने क्लियर हो जाएगा कि 500 साल से कौन लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है। विजयदास हुआ, पुरंदरदास हुआ, कनकदास हुआ, जितने भी यदि अपना दासवरेण्य हुआ, सभी लोग क्या है अपना अपना गाने में लास्ट में यही लिखा है, मलखेड़ निवास जयतीर्थ वास लिखा हुआ। तो इसलिए हम पहले से जो बुजुर्ग लोग लिखे आए उसी के अनुसार हम चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और इसका कोई ये नहीं कर सकता, कोई इसको बायकॉट नहीं कर सकता। ये हमारा उत्तराधि मठ का नहीं, पूरा भारत और कर्नाटक का अस्तित्व का विषय है। मंदिर यहीं रहे, यहीं रहेगा और आगे यहीं पे जयतीर्थ हमारा अस्तित्व का विषय है। इसलिए मेहरबान करके DC साहब को हम ये रिपोर्ट देने आया हुआ,
और सभी हमारा बात को मान करके आखिरी में हमारा ये जय होगा, इसमें कोई बात नहीं है। जय तीर्थ गुरु महाराज की।